आज मैं ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। आज मैं फिर से दोबारा बैंकिंग स्टॉक यार्ड में आया हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड बताते हैं कि ट्रैक्टर के बारे में बताइए जो बैंक से उठाए हुए ट्रैक्टर होते हैं। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ महिंद्रा अर्जुन नोवो जो डीजी सेंस के साथ ट्रैक्टर है। जो मुझे को काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर लगा। अभी इसमें तो हल्की फुल्की धूड़ वगैरह है, बाकी इसमें ट्रैक्टर में मुझे कोई कमी नहीं है। अगर हम इसके टायरों की बात करें तो 7/50/16 आगे के टायर, 16/28 पीछे के टायर है। इसमें कोई लीकेज वगैरह तो मुझे कहीं दिखी नहीं है। और अगर हम इस पर स्टिकर पर बात करें, स्टिकर पर क्या कुछ मैंशन है, ये किसी विकास शर्मा के नाम का ट्रैक्टर था और ये 2,047 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। तो काफ़ी कम चला हुआ ट्रैक्टर है। अगर कोई मेरा किसान मित्र इसको लेना चाहता है तो यहाँ पर विजिट करके इसको देख सकता है। और ये 57 HP का ट्रैक्टर है, 2100 ERP जनरेट करता है। अगर इसको हम डीलरशिप से लेने जाते हैं तो 8,80,000 से 9,00,000 रुपये तक इसकी कीमत है। ये पावर स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर है। और इसमें से गियर सिस्टम की बात करें, इसमें 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर हैं। इसकी अगर गति की बात करें, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आगे और 17 किलोमीटर प्रति घंटा पीछे की तरफ ये दौड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे ट्रैक्टर की तरफ देख सकते हैं। अब हम स्वराज 855 के बारे में देखते हैं। स्वराज 855 5-स्टार में है ये, और ये काफ़ी साफ सुथरा ट्रैक्टर है। मुझे ट्रैक्टर में कोई सिंगल कमी भी नहीं नज़र आई है। और हम इसे चिक्कर में बात करें, ये किसी अतर सिंह के नाम से ये ट्रैक्टर था और ये ओनली सिर्फ 230 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। और ये कोई मेरा भाई किसान मित्र बैंकिंग की किस्तें नहीं चुका पाया तो उसको ट्रैक्टर बैंक वाले उठा के ले आए। अगर उसको कोई आपके इसको खरीदना चाहता है, इसको ऑनलाइन बोली लगा के आप इसको खरीद सकते हैं। और ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं, अगर कोई देखना चाहता है तो उसको देख सकता है। ये 52 HP के साथ 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और इसकी कीमत अगर हम डीलरशिप पे इसको लेने जाते हैं, नई की कीमत 7,80,000 से 8,10,000 रुपये है। और ट्रैक्टर में हल्की फुल्की धूड़ वगैरह है, बाकी कुछ कमी है नहीं है। और ये MRF टायर के साथ ये ट्रैक्टर है। ठीक है, और हम चलिए अब हम चलते हैं सिकंदर की तरफ, यानी सोनालिका सिकंदर। ये DI-35 सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर ठीक है, हल्का फुल्का चला हुआ लग रहा है। इसके टायर भी थोड़े घिसाई में हैं और हल्की फुल्की लीकेज इंजन में है, पर ठीक है। कुल मिला के अगर हम इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये 39 HP 3 सिलेंडर के साथ ये ट्रैक्टर है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 2780 CC का इसका इंजन है और इसके RPM 1800 RPM के साथ आता है। और अगर हम इसको टायर की बात करें तो इसमें 13/6/28 के इसके टायर लगे हुए हैं। अगर किसान मित्र कोई इसको है इच्छुक इसके लेने के लिए तो इसको देख सकता है और इसकी ऑनलाइन बोली लगा के इसको बाय कर सकता है। ये सोनालिका सिकंदर ये मुझे काफ़ी क्लीन लगा इसके कंपैरिजन। इसके अगर हम पर्ची पे इस पर देखें तो ये किसका था, ये इसको तो साफ दिख नहीं रहा, लेकिन 531 घंटे ओनली चला ट्रैक्टर है। बिल्कुल क्लीन है, उसमें पेंट वगैरह इसमें कहीं उड़ा नहीं है। और अगर किसी को पसंद आए, पसंद तो आ ही जाएगा क्योंकि इसमें हल्की फुल्की भी लीकेज नहीं है, हल्की धूल मिट्टी है और इसमें कुछ है नहीं है। अगर हम आइशर की बात करें, अगर कोई छोटा किसान मित्र जिसके पास थोड़ा ज़मीन है और इसको आइशर को लेना चाहता है, ये सिक्कर पे करें, ओनली सिर्फ 45 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर, सिर्फ 45 घंटे, टायर बिल्कुल न्यू और ट्रैक्टर भी देखने में बिल्कुल न्यू, आइशर 242। चलिए अब देखते हैं हम आइशर को, सिल्वर कलर के आइशर ट्रैक्टर काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, आपको बार बार से दिखाते रहेंगे। ये किसी गुरप्रीत सिंह के नाम ट्रैक्टर, 2715 घंटे चला हुआ आइशर सिल्वर कलर का, जिसके भाई को मित्र को पसंद आए वो देख सकता है। और ये सोनालिका भाई ने पूरा हार श्रृंगार ट्रैक्टर पे पूरी जान लगा रखी है, लेकिन ट्रैक्टर की किस्तें ना पे करने वजह से बैंक को उसे उठाना पड़ा। और बैंक अब इसकी नीलामी करेगा, कोई मित्रगण इसको लेना चाहे तो ले सकता है। और लीकेज वगैरह ठीक ठाक है, एवरेज टायर भी इसके ठीक ठाक है, आपको इसके वीडियो में दिख रहा होगा। और ये किसी अजय सिंह के नाम था, 3073 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। अब हम देख लेते हैं एक आइशर 485। ये बिल्कुल स्क्रैच लेस ट्रैक्टर है, बिल्कुल रंग बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसे न्यू ट्रैक्टर, जैसे बलविंदर सिंह के नाम है, 372 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। और भाई साहब बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, 5/4/485 आइशर। अगर किसी को पसंद आए और तो अपना अपनी इच्छा इसमें जाहिर कर सकता है। और जो जॉन डियर के जो मित्रगण शौकीन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5310 जॉन डियर, ये 55 HP के साथ 68 लीटर का इसका टैंक है और ये 2400 CC का इसका इंजन है। इसका दूसरा टिपिन दास भी है भाई साहब, बिल्कुल साफ ट्रैक्टर जॉन डियर, बिल्कुल अमेरिकन कंपनी है, ताकतवर ट्रैक्टर है, कोई लेना चाहे तो इसको ले सकता है। 46 HP की इसकी PTU है। और ये हम एक आइशर एक और खड़ा है, 551 5-स्टार,
भाई साहब बिल्कुल क्लीन ट्रैक्टर है, आपको देख ही पा रहे होंगे, दिखने में बिल्कुल साफ ट्रैक्टर है। ये किसी किस्मत के नाम से है और बिल्कुल बहुत ही कम चला हुआ ट्रैक्टर है। आप देख सकते हो काफी सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, जिसके भी जॉन डियर, आइशर, सोनालिका, कोई भी स्वराज और इसके महिंद्रा में से कोई भी पसंद आता है तो आप इसको, भाई साहब इसको देख सकते हैं और इसकी आप ऑनलाइन बोली लगा के आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी हम दूसरी जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक इंडो फार्म ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अगर कोई इंडो पावर का इच्छुक है लेने के लिए, भाई साहब बिल्कुल क्लीन ट्रैक्टर है, मुझे तो इसमें कोई हल्की फुल्की भी लीकेज नहीं दिख रही इंजन में कहीं पे भी। अगर कोई इसको लेना चाहे तो इसको देख सकता है, इंडो फार्म, ये 55 HP में ट्रैक्टर है, टायर वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन है। ओके, और अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसकी तो शायद कंडीशन ठीक नहीं है, ये पावर ट्रैक ट्रैक्टर है, ये तो एवरेज है, कोई मित्र लेता था लेना चाहे ले सकता है, बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगा उनको तो, बिकॉज इनकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ी हुई सी लग रही है। ठीक है, ये थोड़े से डैमेज कंडीशन में है ट्रैक्टर, लेकिन हाँ ये आपको लोस प्राइस में मिल सकती हैं। ये फार्म ट्रैक है, 6065 फार्म ट्रैक, ये भी कंडीशन ठीक ठाक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ वाले स्टॉक में तो मुझे सिर्फ एक इंडो फार्म अच्छा लगा, बाकी जो पहले वाला आपको स्टॉक दिखाया था उसमें तो काफ़ी सारे अच्छे ट्रैक्टर जैसे जॉन डियर, महिंद्रा, स्वराज, यहाँ पे मुझे कोई ठीक लगा नहीं इस स्टॉक में, तो इसमें सिर्फ एक इंडो फार्म ही मुझे एक ठीक ठाक लग रहा है। जो इंडो फार्म के शौकीन हैं वो इसको देख सकते हैं, बाकी आपको जो मैंने पहले स्टॉक दिखाया था अगर उसके आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। तो ठीक है, मैं आपको एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जो भी कोई मित्रगण या किसान भाई को देखने चाहते हैं ट्रैक्टर को तो वो आके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं सोनालिका, यहाँ पे कुछ खड़े हैं लेकिन इनकी कंडीशन ठीक ठाक है, एवरेज है। सोनालिका काफ़ी तादाद में खड़े हैं लेकिन हालत इनकी ठीक नहीं है, जो इसको इंटरेस्टेड है। यहाँ पे एक एस भी खड़ा है लेकिन टायर वगैरह इसके गोल हैं। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, टेक केयर।